जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाला विशेष पर्व है। ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की रात्रि 2:19 पर होगा। इस खास दिन विशेष रूप से कान्हा जी की पूजा की जाती है और इस अवसर पर मंदिरों एवं घरों में सजावट की जाती है और दिव्य प्रसाद भी बनाया जाता है, जो इस उत्सव को और भी गौरवमयी बनाता है। आइए जानते हैं इस दिवस को किस विधि से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर घर को सजाना चाहिए। रंग बिरंगे फूलों, झालरों और दीपों से घर को जरूर सजाएं। विशेष रूप से लड्डू गोपाल की पूजा के स्थान को अच्छे से सजाना चाहिए। स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। अब बताते हैं कि मूर्ति की स्थापना कैसे करें। एक सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें। इस मूर्ति को खास वस्त्र पहनाएं और इसे फूलों से सजाएं। छोटे लड्डू तैयार करें। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू अर्पित करना एक पुरानी परंपरा है। छोटे छोटे लड्डू तैयार करें और उन्हें सजाकर मूर्ति के पास रखें। अब बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में ताज़ा फूल, दीपक, अगरबत्ती, चंदन और पान के पत्ते शामिल करें। पूजा के दौरान कृष्ण भजन गाएं और दीपक की आरती करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे भजन इस दिन की पूजा का एक खास हिस्सा माना जाता है। मूर्ति के पास दीपक चलाएं और धूप अर्पित करें। ऐसा करने से जहां वातावरण तो पवित्र होता ही है, वहीं इससे पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से इस दिन हलवा, खीर और लड्डू का भोग तैयार करें। इसके साथ मक्खन का प्रसाद कान्हा जी को अर्पित करने के बाद भक्तों में बांट दें। भगवान कृष्ण को फलों का भी भोग अर्पित करें, जो कि पूजा का एक जरूरी हिस्सा भी है। रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म के समय के खास पूजा आयोजित करें। इस दौरान कृष्ण के जीवन की घटनाओं की कथा सुनाएं और भक्तों के साथ मिलकर खुशी मनाएं। इस दिन विशेष रासलीला और नृत्य का आयोजन कर सकते हैं। बच्चों के लिए कृष्ण के जीवन से जुड़े नृत्य और नाटक का आयोजन भी आप कर सकते हैं। इस पवित्र अवसर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें।